हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप आता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। जैसे कि मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, तो अगर हम इस माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस साइन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स। तो ये प्रूफ होता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। ठीक है, सेकंड हमारा आता है इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स। इसका हमारा हो जाता है साइन एक्स प्लस सी। तो इसमें भी हम करके देख सकते हैं कि जैसे साइन एक्स का क्या आएगा, कोस एक्स ही डिफरेंशिएशन आएगा, तो यह हमारे बात सही है। जो थर्ड आता है वो हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वेयर एक्स डीएक्स। तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता था? सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वेयर एक्स डीएक्स। इसका हमारा हो जाएगा माइनस का कोटेक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, क्योंकि देखो कोटेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। तो जैसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारी बात सही आ रही है। ठीक है, फिफ्थ हमारा आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डॉट टेन एक्स डी एक्स। तो इसका हमारा होता है सीकेंट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, क्योंकि देखो इसका हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है सीकेंट एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप वो है सिक्स्थ, ये होता है कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स डी एक्स। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, पर आपको ये भी दे सकता है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? इसका साइन का क्या होता है? माइनस कोस, तो माइनस कोस एक्स, इस पूरे को एक्स मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और अब ये एक्स का कोफिशिएंट है, इससे हम डिवाइड कर देंगे प्लस कॉन्स्टेंट सी। जो नेक्स्ट आता है हमारा वो होता है एट, इसमें ऐसे ही हो सकता है कि कोस ए एक्स प्लस बी थीटा इस पूरे को मान लेंगे। ठीक है, तो कोस का क्या होता है? साइन, ये पूरा थीटा है तो थीटा की जगह रखा जाएगा ए एक्स प्लस बी। और इसमें जब एक के कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, अब एक्स के कोफिशिएंट से सॉरी डिवाइड। ठीक है, तो ये थे हमारी कुछ बिल्कुल बेसिक, जिन्हें अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस करने हैं तो पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज में नंबर वन आती है कि अगर हमने किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और उसी का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया डी बाई डी एक्स, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा? रिजल्टेंट वो फंक्शन ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की अपोजिट होती है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो होती है कि के इंटू एफ एक्स डी एक्स। तभी के कोई कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, कॉन्स्टेंट एफ एक्स कोई फंक्शन एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? तो एक कॉन्स्टेंट टर्म हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, और जो इंटीग्रेशन होता है उस फंक्शन का हो जाता है। ठीक है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है सबसे मेन एफ वन एक्स फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन के होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये इंटीग्रेशन दो में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सेपरेटिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, एफ वन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज, और अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो
इसमें दो फंक्शन है ठीक है, तो मैंने अभी ये प्रॉपर्टी बताई थी ऊपर की, दो में सेपरेट हो जाता है, तो हम यही अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन 4x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 4x का, साइन का मैंने बताया था क्या होता है, माइनस कॉस 4x, और ये x का कोफिशिएंट क्या है, इससे डिवाइड भी करेंगे 4 ठीक है, प्लस कॉस का क्या होता है साइन, साइन 2x, और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, तो इससे डिवाइड करेंगे, और प्लस कॉन्स्टेंट रहेगा c क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ठीक है। तो चलिए अब हम इंटीग्रेशन का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दो फंक्शंस दे रखे लेकिन ये प्रोडक्ट में है ठीक है, तो हमें पहले इसको एडिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ठीक है। तो सी सेक एक्स जब अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स, प्लस जब सीकेंट एक्स टेन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो अब ये दोनों एडिशन में आ गए तो हमारी वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वेयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डॉट टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा सीकेंट स्क्वायर एक्स का मैंने बताया था टेन एक्स ठीक है, प्लस सीकेंट एक्स टेन एक्स, इसका क्या बताया था, इसका बताया था मैंने सीकेंट एक्स, और ये प्लस कॉन्स्टेंट।